नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी। आपके साथ मैं हूं आशीष, और आज पत्रिका टीवी में हमारे साथ हमारे खास मेहमान राहुल स्वामी मौजूद हैं, जो कि एक माउंटेनियर हैं, पर्वतारोही हैं, और अब वर्ल्ड कप की इनकी तैयारी है। और सबसे पहला सवाल यही होगा राहुल से कि राजस्थान का होने के बावजूद भी इनको माउंटेनियरिंग का शौक कैसे लगा आखिर? राहुल, मैं बहुत सारी चीज़ें, आप बेसिकली मैं राजस्थान से आता हूँ। राजस्थान एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो मैं ज़्यादा, मैं बचपन से मेरा इरादा था मैं भीड़ ना बन के, भीड़ का हिस्सा ना बन के, मैं जिसके लिए भीड़ होती है वो बनूँ। मैं 2017 से माउंटेनिंग कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले माउंटेनिंग से बेसिक माउंटेनिंग कोर्स की, भारत रक्षा मंत्रालय हम स्टार्टिंग स्टार्ट पढ़ते हैं उसी प्रकार से माउंटेनिंग की कोर्सेज होते हैं। धीरे धीरे मैं अच्छे लोगों से मिलता गया और अपने आप को इस तरह ढाल लिया कि मैं पर्वतारोहण के काबिल बना पाया खुद को। क्योंकि कई चोटियां आपने फतेह की हैं, तो कितनी मुश्किलें आती हैं? क्योंकि जब कोई माउंटेनियरिंग का शौक रखता है या सपना देखता है इस तरह का माउंटेनियरिंग का, लेकिन उसको मुश्किलों का सामना किस तरह का करना पड़ता है, वो यही सोचता है कि किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो अनुभव अपना आप शेयर करना चाहेंगे कि किस तरह की मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा। राहुल, पर्वतारोहण में चुनौतियाँ तो बहुत सारी आती हैं हमें, जैसे कि हम -60 डिग्री टेम्परेचर में रहते हैं, इतनी हाई एल्टीट्यूड पर जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपके पास कोई कनेक्शन नहीं होती, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती, यू आर ऑन योर ओन। तो आपको सबसे बड़ी बात तो ये है कि पर्वतारोहण हिमसंखलन, जैसे हमें ये नहीं पता था कि हमें अगले कदम पे क्या होगा, आपका एक गलत कदम और आपको बर्फ़ के अंदर हजारों फीट नीचे लेके चले जाएगा। और हम एक महीने तक का पूरा राशन लेके चलते हैं, मैं 30 किलो बैग पैक के साथ 17-18 घंटे तक चलता हूँ। जब वहाँ होता हूँ तो वह सबसे बड़ी दिक्कत AMC एक्यूट माउंटेन सिकनेस, जैसे कि राजस्थान के अंदर धूल मिट्टी उड़ती है, जब मैं ऊपर पर्वतों में होता हूँ वहाँ सूखी बर्फ़ उड़ती है, बर्फ़ उड़ने के बाद आपके दिमाग के अंदर आपको AMC एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो जाता है। उसके अंदर आपको आपका एक अलग दुनिया बन जाती है, लोग यहाँ लोग नाच रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, एक सोपन ऐसा क्रिएट हो जाता है। बहुत सारी दिक्कतें हमारे माउंटेन के अंदर आती हैं। और राहुल, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी भी एक बड़ी समस्या होती है जब आप ज़्यादा ऊंची चोटी पे पहुंच जाते हैं, तो उससे निजात पाने के लिए किस तरह का इंतज़ाम पहले से करके आप लोग रखते हैं? हम ऑक्सीजन लेके जाते हैं, हम बेसिकली जब ऊपर जब अबाउट 20,000 फीट ऊंची चोटियाँ क्लाइंब करते हैं, तो हम अपने साथ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर कैरी करते हैं। जब हमें ये लगता है कि अब हम मतलब ऑक्सीजन की डेंसिटी बहुत कम हो गई है, तो उस सिलेंडर का उपयोग करते हैं। और राहुल, क्योंकि जैसे आपने ऑक्सीजन के बारे में बताया, ऐसे में अगर किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उस दौरान आप किस तरह का इंतज़ाम वहाँ पर अपने साथ रखते हैं, या फिर कोई टीम आपके साथ भी होती है जो इस अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो उस दौरान आपका ध्यान रख सके? जी, मैं सोलो क्लाइंबिंग करता हूँ, मेरे साथ कोई मेडिकल टीम नहीं होती, बट मुझे प्रशिक्षित इसी तरह से किया गया है, मुझे प्रशिक्षण इस प्रकार का मिला है कि प्रकृति माता हमें मारना चाहेगी, हम किस प्रकार बच सकते हैं, हमें अवलान से कैसे बचना है, हमें -60 डिग्री टेम्परेचर में कैसे रहना है, इन्हीं सब सर्वाइवल्स के लिए हमें तैयार किया गया है। अगर हम बात की रेस्क्यू के लिए, रेस्क्यू हमारे घायल चोटले होने के बाद होता है, हमारे साथ कुछ नहीं होता। जब मैं एक एक महीने तक पहाड़ों के अंदर बर्फीली चोटी अकेला रहता हूँ। बिल्कुल राहुल, क्योंकि स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग जो है वो ओलंपिक में शामिल तो है, लेकिन भारत में इसके लिए कोई फेडरेशन नहीं है, जैसे रेसलिंग फेडरेशन है, इसके लिए कोई अलग से फेडरेशन नहीं है, तो क्या इसकी कमी खलती है? और क्या आप सरकार से इस माध्यम से मांग करना चाहेंगे कि फेडरेशन इसकी बनानी चाहिए, और किस तरह की परेशानियां फेडरेशन ना होने की वजह से आपको सामने आती हैं? जैसा कि आपको बताया है कि ये माउंटेनिंग स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग यूरोपियन कंट्री में बहुत प्रचलित है, इंडिया के अंदर अभी इसकी कोई कार्यरत फेडरेशन नहीं है अभी, तभी इंडिया के अंदर माउंटेनियर्स पिछड़े हुए, हम मतलब पिछड़े हुए हैं माउंटेनियर्स। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि जल्दी जल्दी इसकी फेडरेशन बनाई जाए, ताकि मेरे जैसे कई युवा हैं जो अपनी चढ़ाई को जारी रख सकें। बेसिकली पर्वतारोहण एक शारीरिक क्षमताओं के साथ साथ एक खर्चीला वो भी है, तो मेरे को, मैं सरकार से ये दरख्वास्त करता हूं कि मेरी आर्थिक रूप से मदद की जाए। तो स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वर्ल्ड कप जो है वो स्लोवेनिया में होने जा रहा है, उसकी किस तरह की राहुल की तैयारी है, इस बारे में जानेंगे राहुल से। राहुल, वर्ल्ड कप की किस तरह की आपकी तैयारी है? मैं पिछले 5 साल से लगातार इसकी तैयारी कर रहा हूं। जैसे कि आपको पता है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को टोक्यो 2020 के ओलंपिक के दरमियान इसको स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को ओलंपिक स्पोर्ट में शामिल कर लिया गया। अब अगर मैं स्लोवेनिया में होने जा रहे स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वर्ल्ड कप में अगर मैं मेडल ले पाता हूँ, तो मेरा सिलेक्शन पेरिस 2024 में होने वाले ओलंपिक में हो जाएगा। और मेरी सरकार से दरख्वास्त ये रहेगी कि मेरे को आगे, मैं अगर मैं इसमें मेडल ले आ पाता हूँ, तो अगर सरकार मेरे को हेल्प मिलती है, तो मैं डेफिनेटली इंडिया का रिप्रेजेंट करने पेरिस 2024 ओलंपिक में पक्का जाऊँगा।
राहुल, मेरा आखिरी सवाल ये कि और भी जो पर्वतारोही हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कई बार जो है हौसला पस्त भी हो जाता है, कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे, किस तरह से उनकी हौसले को जो है वो आप बढ़ाना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि आपका लक्ष्य निर्धारित करो सबसे पहले। इंसान का अगर विजन सही है तो कुछ भी कर सकता है। आपको हार मिलेगी, आपको हार मिलेगी, हार मिलने के बाद जो नहीं हारता वही एक पर्वतारोही है, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो ये हमारे साथ थे राहुल स्वामी, झुंझुनू के पिलानी से हैं और अब वर्ल्ड कप की ये तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल आपका हमसे जुड़ने के लिए।